नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। आज उन बच्चों से बात करना चाहूंगा हमारे बीटेक के, जो अपने सेकंड सेमेस्टर में है। सेकंड सेमेस्टर तक अब आपने देखा लगभग एक साल जाने वाला है और पता भी नहीं लगा होगा। अभी कुछ समय पहले तो सब 12th क्लास में थे, काउंसलिंग चल रही थी, अलग अलग तरह की परेशानी थी और फिर बीटेक की जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और अब सेकेंड ईयर से हमारा जो थर्ड सेम है वहाँ पे कोर कंप्यूटर साइंस आप पढ़ना शुरू करेंगे। कई लोगों ने सीनियर से बात भी की होगी, कुछ लोगों के बड़े भाई बहन, रिलेटिव्स, मेंटर्स भी होंगे। और हर बच्चा काइंड ऑफ कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बना लेता है। कोई सोच रहा होगा कि शायद मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा या प्लेसमेंट के बारे में सोच रहा है। कोई हो सकता है अभी से ये सोच रहा हो कि मेरे को बाद में एमटेक करना है, मे बी रिसर्च में जाना है। कोई स्टार्टअप के आइडिया भी सोच सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, आइडिया कुछ भी हो, मैं पहले उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनके पास आइडिया ही नहीं है। ये स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा। ये बात अब तक आपको काफ़ी हद तक समझ आ भी गई होगी। कॉलेज के आप में से बहुत सारे लोग टीयर 2 टीयर 3 लेवल के कॉलेज में होंगे। कॉलेज के अपने कुछ कंसिडरेशंस हैं, उनको चाहिए कि सारे बच्चे प्लेस हो जाएं ताकि अगले साल जब एडमिशन के लिए कोई आए तो वो अच्छे से इस बात को बता सके, मार्केट कर सकें। लेकिन आपको अपना भला और बुरा खुद सोचना है। तो आपको यहाँ पर ये सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं हमेशा बात बोलता हूँ, बीटेक देखने में लगता है 4 साल की है, यानी कि 8 सेमेस्टर्स की है। बीटेक सर रियली सिर्फ 3 सेमेस्टर की है। वो कौन कौन से हैं? वो है 3rd सेम 4th सेम और 5th सेम। इसमें जिसको मेंटल क्लैरिटी है, जिसने काम कर लिया, वो काम कुछ भी हो, काम कोई अच्छा बुरा नहीं है। हो सकता है किसी को UPSC की प्रिपरेशन करनी हो, अभी से सोच रहा हो। हो सकता है किसी को लगा यार मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ और है, मुझे ब्रांच चेंज करनी है, मेरे को CSIT के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी ले लिया तो ले लिया, लेकिन अलग से। कोई कोडिंग की बात करेगा, कोई प्लेसमेंट की बात करेगा, कोई गेट के लिए प्रिपेयर करेगा। बट जो भी करना है वो रियलिटी में करना शुरू करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई प्लान ही नहीं होगा। तो अगर आप अभी सेकेंड ईयर में आने वाले हैं और आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप सोच रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें खुद सॉर्ट होती जाएंगी, सर चीज़ें और ज़्यादा उलझती जाएंगी। कुछ लोगों को लगेगा सर अभी तो सेकेंड ईयर में, अभी 4 साल पढ़े हुए हैं, हमारे पास 3 साल तो ही है, इतनी जल्दी ये सब क्यों बोल रहे हो। बाद में आपको महसूस होगा शायद सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट किया तो लेट स्टार्ट किया। आजकल कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा है ना, बच्चे जितना प्रयास कर रहे हैं और बहुत पहले से चीज़ें शुरू करते हैं, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। अब सर कोर सब्जेक्ट क्या होता है ये भी नहीं पता होता, किस सब्जेक्ट पे मैं काम करना है। तो देखो, वैसे तो 4 साल में आप 40 सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, DBMS, आई होप मैंने कोई मिस नहीं किया, ये सब आपके कोर सब्जेक्ट है, टोटल 10। आप बाद में जाके इंडस्ट्री में काम करोगे तो मान लीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और नेक्स्ट लेवल पे आपको काम आने वाले हैं। गेट का एग्जाम लिखोगे, नेट का एग्जाम लिखोगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब फिल करोगे, ये 10 सब्जेक्ट ही काम आएंगे। आप पढ़ेंगे बहुत कुछ, एनवायरमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ सब्जेक्ट लगा देते हैं, और डेटा कंप्रेशन हो सकता है, मोबाइल कंप्यूटिंग हो सकता है, बहुत सारे 10-12 टोटल 40 सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं। इन 10 सब्जेक्ट पर आपको अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा, फिर बाद में वो आपके प्लेसमेंट्स में भी काम आएंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं सर अभी से कैसे डिसाइड करें कि हमको प्लेसमेंट में जाना है कि फर्दर स्टडीज़ में जाना है। अभी तो आपको पढ़ाई करनी है अपने कोर सब्जेक्ट्स की, और वो आप करोगे तो धीरे धीरे आप पाओगे। फिर होता है ना बच्चे कि सर 10 लाख का पैकेज भी लग गया, गेट में भी रैंक अंडर 100 आई, अंडर 500, अभी क्या करें समझ नहीं आ रहा, वो लेवल वाली अंडरस्टैंडिंग। ट्रस्ट मी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन एंड प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। जितना पहले काम करना शुरू करेंगे, जितना पहले सीखना शुरू करेंगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, अभी 2 सेमेस्टर जैसे उड़ गए ना, जो हो गया वो हो गया, 3rd सेमेस्टर से सीरियस हो जाइएगा, बिकॉज आपकी टेक्निकल पढ़ाई यहीं से शुरू होगी। एक एक करके टॉपिक पर काम करना स्टार्ट करिए। उसके अलावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी लीजिए, अब ये भी एक लंबी डिबेट है, C++, जावा, पाइथन, सर क्या लें। मैं कहता हूँ आइदर यू कैन गो फॉर सी और यू कैन टेक विद पाइथन, बीच में मत रुको, मेरा ऐसा मानना है। जावा भी इज ऑल्सो गुड, बट या तो सी या तो पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो, सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो। इवन यहाँ नॉलेज गेट पे आपको बहुत सारा आइडियाज मिलेगा। दूसरी बात, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, बेसिक मैथमेटिक्स,
है ना, इस पे काम करना आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे फाइनल ईयर में जाके मेरे काम आएगा या तब मैं सीख लूंगा, फिर आपको लगेगा बहुत लेट हो रहा है और प्रेशर बिल्डअप होगा। द की इज टू स्टार्ट अर्ली, है ना। तो जितने भी लोग थर्ड ईयर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी आने वाले, अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आएंगे, यानी कि थर्ड सेमेस्टर, क्या करना है, कोर सब्जेक्ट जो मैंने 10 सब्जेक्ट की लिस्ट बताई आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उन 10 सब्जेक्ट पे काम करना शुरू करिए। बहुत सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको यही मिल जाएगी, शानदार तरह से काम किया है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग पे काम करिए, पाइथन है, सी है, कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज उठाइए, मैं थोड़ा 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 कोड लिखना शुरू करिए। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब पे, प्रजल सॉल्विंग, इन सब पे अलग से काम करिए और अपना सारा समय अच्छे से यूटिलाइज करिए। अब जब एक प्लान बना लेंगे ना, तो देखोगे एक सेमेस्टर गया काफ़ी चीज़ें सीख ली, अगला सेमेस्टर गया काफ़ी चीज़ें सीख ली, अभी थर्ड ईयर में आता है तो आपको लग रहा है यार आई एम वेरी मच रेडी, मेरे कोर सब्जेक्ट्स भी तैयार हैं, मुझे एडिशनल नॉलेज भी है, तो चाहे प्लेसमेंट हो या गेट का पेपर हो या गवर्नमेंट जॉब हो, मैं सब में अच्छा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ, जिसमें जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारे पास एक बिल्कुल सेपरेट चैनल है KG प्लेसमेंट प्रेप, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, वहाँ जाके देखो किस क्वालिटी का कंटेंट हम दे रहे हो, कितने हज़ार बच्चों को हमने प्लेस कराया है, है ना। और अगर कोर कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो इधर आ सकते हो, यहीं पे आप जानते भी होंगे सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, उस पे काम करो, लेकिन करना शुरू करो। कोई स्पून फीड नहीं करेगा, कोई आके अलग से ही नहीं बताएगा, कॉलेज का पूरा टाइम, कॉलेज फेस्ट और क्या क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट, सेमेस्टर्स, सेशनल्स, इन सारी चीज़ों में कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और फिर बच्चा बाद में सोचता है मुझे सर्टिफिकेशन मिल जाए, मेरा ये हो जाए तो जॉब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस आगे आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।